Hey guys, welcome back to another vlog. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं निकल गया हूँ घर से. और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम मैं इतना सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ. तो आज है वैलेंटाइंस डे, तो आज तो बाहर निकलना बनता है. तो अभी सुबह सुबह मैं सोया हुआ था, मेरे नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जल्दी आज मैं उठ गया था क्योंकि मुझे सुबह सुबह कॉल आया. कॉल करते ही मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस बोला और मुझे कहा कि आ जा, चल आज डेट पे चलते हैं. तो बस वहीं मैं आज तैयार होके नहा धो के निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ. तो आगे आगे आपको बताता हूँ कि कैसा रहता है और अपनी डेट से भी मिलवाऊंगा आपको. तो बने रहना व्लॉग में और इसको पहले लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को. जो जो लोग नए देख रहे हैं, बाहर के हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है और मेरा टारगेट है कि मैं पहले 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ. तो बस फिलहाल मेरा ये टारगेट है, इसको अचीव करने में हेल्प कर दो यार. तो रास्ते में मेरे को मिलना था ऋषभ से, वो आ रहा है सामने रोड क्रॉस करके. इसको मैंने बोला था लेफ्ट साइड खड़े होना और ये राइट साइड खड़ा हो गया है और अब इससे रोड क्रॉस नहीं हो रहा. सर, हे गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे. हैप्पी वैलेंटाइन्स ब्रो. कैसे हो? आई लव यू ब्रो. थैंक यू. क्या चाहिए यार? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामान देख. स्मगलिंग करवाता है मेरे से. है ये मेरे से पूछ रहा है कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है ये? वैलेंटाइंस डे है, इतना तैयार हो गया. अच्छा, चमक के कहाँ जाऊंगा? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ? कनॉट प्लेस, जम्मू वाले भोपला जा. देखते तुम पागल हो सालों. क्यों? बहू प्लाजा जाते हैं ऐसे बच्चे बच्चे, जो लेजेंड्स होते हैं वो जाते हैं बागे बहू. बागे बहू तू आ गया क्या? पहले मुझे ये बता, ये जो तूने टिक्का लगाया है सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में है तू? बजरंग दल के सपोर्ट में. शाबाश. सॉरी भैया, मैं डेट पे नहीं जा रहा था, मैं ऐसे किसी काम से जा रहा हूँ. ऐसे जो आज जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी करना ना थोड़ा बहुत. आप मुझे बता दो आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. जहाँ जहाँ तुमने जाना उधर उधर मैं पहुँचा. ठीक है, चल ठीक है, फिर मिलते हैं. तो अभी फिलहाल जो मेरी डेट है उसको मैं घर से पिक करने लगा हूँ. अभी उसके घर के बाहर जाता हूँ और उसका वेट करना पड़ेगा. तो फिर जब वो आते हैं तो फिर आपसे मिलवाते हैं उनको. तो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली आ गए हैं, तो मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे. तो फाइनली मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी डेट से. हाय. तो सुबह सुबह इस बंदे ने मेरे को फोन किया है 9 बजे. 9 बजे, 8 बजे, जल्दी था. मेरे यूजुअल रूटीन से जल्दी था. नौ साढ़े नौ बजे मैं उठाऊँ यार? नहीं यार, जल्दी. अरे अपने जो नॉर्मल रूटीन से मैं काफी जल्दी उठ गया हूँ और उनका फोन बजा सुबह सुबह कि मेरे को ऑफिस छोड़ने चल. भाई किसको करूंगा कॉल? नहीं, वो तो अच्छी बात है. तो ये कह रहे थे कि मैं जल्दी तो उठा. तो ये कह रहे थे कि मैं डेट पे भी लेके चलता हूँ तेरे को. वैलेंटाइन डे है अभी, हम लोग डेट पे जा रहे हैं वैलेंटाइन डे. इनको मैं भी कोई नई सी ड्रेस लेके देता हूँ, फील तो लेनी है मेरे को. बिल्कुल बिल्कुल. तो जिन लोगों ने, जो लोग नहीं जानते भैया को, ये भाई है मेरे, बड़े भैया है, तो इनको बर्थडे वाले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे, जिन लोगों ने पहले देखा होगा. ये वही है जो केक का डिब्बा चाट रहे थे. तो ऐसा था कि जब मैं छोटा था, आई थिंक भैया 3-4 साल का होऊंगा बिल्कुल ही, मतलब मेरा शायद बर्थ भी इधर ही हुआ है, इधर ही मतलब पैदा हुआ था. 1-1.5 साल बाद हम आ गए थे यहाँ पे. तो मैं छोटा ही था बिल्कुल, तो मैं इनके घर के पास रहता था. बेसिकली मेरे बुआ के बेटे हैं, तो बिल्कुल हमारे घर का डिस्टेंस होगा कोई 100 मीटर, 100-150 मीटर का. तो मैं क्या होता था, इनके पापा जो हैं वो इधर BSF में पोस्टेड थे. तो सुबह सुबह क्या होता था, मैं गेट पे बैठ जाता था, गेट के नीचे, मतलब गेट में बैठ जाता और नीचे से दिखता था रास्ता ना, रोड. पापा का ट्रैक सूट. तो उनका मेरे को ट्रैक सूट याद होता था कि उनके ट्रैक सूट में घुटनों पे स्ट्रिप्स बनी होती थी. तो बस मैं वो देखता था और मैं शोर डालना शुरू कर देता था कि मेरे को जाना है इनके साथ. तो फिर वो वहां से रोज, मतलब जब आते थे अपने ऑफिस से, तो फिर मैं रोज उनका वेट करता था. वही दही खा खा कर तो गोरा हुआ. तो बेसिकली सीन ऐसा था कि मेरे को दही और परांठी बहुत पसंद थी, दही और परांठे. तो जब भी सुबह इनके घर रोज वही बनता था ब्रेकफास्ट में, परांठे स्पेशली मेरे लिए. तो फिर मैं उनका वेट करता था, कब वो आएंगे, मैं उनको देखता रहता था नीचे से. तो फिर वो आते थे, मेरे को लेके जाते थे, दही और परांठे हम खाते थे.
तो अभी कल भी यही बात कर रहे थे मामू की, तू अब दोबारा संडे संडे को रोज आया करो मेरे पास दही परांठे खाने। तो काफी ज्यादा मतलब मेमोरीज थी यहाँ पे, हम साथ में ही थे पहले, मतलब तब तो मैं बड़ा छोटा था, आई थिंक 3-4 साल का ही था। मैंने इसको गोद में खिलाया, आजकल ये मुझे गोद में उठाता है आज मैं डेट पे लेके जा रहा हूँ आज ये मुझे डेट पे लेके जा रहा है। तो भाई दे गया धोखा? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, वैलेंटाइन पे कुछ नहीं है, ऑफिस निकल रहे हैं, कह रहे हैं चले जा देखना बात यहाँ पे क्या चक्कर है भाई, भाई मैंने इसको बोला केसी रेजिडेंसी में रूम करा देता हूँ, आराम से जा सो जा, शाम को मुझे फिर घर लेकर चले जाना। मान ही नहीं रहा, कहता भैया अकेले क्या करूंगा, डालना भाई बदतमीज हो आप वो तो मैं हूँ। तो भैया अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, ओके गाइस मिलते हैं आपको। सपना तो मेरा टूट गया इस बार, फिर ऐसे ही रह गया। नहीं नहीं, सपना सपना अपना है, रात को आ जा तू। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, ओके। Guys, welcome back to another day. So, पहले वाला जो मेरा व्लॉग था वैलेंटाइंस डे वाला, तो वो बीच में ही रह गया था, आधा व्लॉग रह गया था, तो उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आज। तो आज अगला दिन है, अगला दिन तो नहीं है बेसिकली, काफी टाइम हो गया, हाँ महीना हो गया है, आज शायद 14 मार्च है और 14 फरवरी को बीच में रह गया था, तो वो व्लॉग किसी मतलब किसी रीजन की वजह से बन नहीं पाया। तो अभी बस वही है, उस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे वो व्लॉग डालना था, तो इसीलिए बस अभी वो रहेगा। आज जो जो कुछ होगा आगे बस उस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो उस व्लॉग को प्लीज देख लेना। आज का कुछ ऐसा सच प्लान नहीं था कुछ पहले, पर गाड़ी का एसी ठीक करवाना था, वो करवाया और वहां से निकल रहा हूँ। अभी मानव के पास जाऊंगा तो उसी से मिलने जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो चलते हैं वहां पे, फिर आपको बताते हैं आगे का। यार मुझे पता अभी व्लॉग्स आ नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए मुझे कोई व्लॉग बनाए हुए, क्योंकि मैं अपने किसी काम वाम में बिजी था और साथ में मुझे वायरल हो गया हुआ था, 2 बार हो गया, पहले एक बार हुआ था, फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद दोबारा फीवर हो गया, तो बस उसी रीजन की वजह से मैं बना नहीं पाया कुछ, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, बीमार हो गया था उसके बाद, फिर अपने भी 1-2 काम पड़ गए थे, तो बस उसी रीजन की वजह से वो कुछ हुआ नहीं मेरा व्लॉग का। तो अब होपफुली कंटिन्यू रहेंगे, तो ये वाला व्लॉग देखिए क्योंकि ये पिछले महीने का व्लॉग है जो अभी कंटिन्यू किया है, तो इसको देखना यार, जरूर देखना, और इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो सब्सक्राइबर यार मेरे को 500 करना रहे हैं, क्योंकि अभी 350 सब्सक्राइबर हैं मेरे, 350 हैं, तो मेरे को 500 करने हैं इस मंथ, तो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ यार, तो 500 सब्सक्राइबर करवा दो तो बहुत हेल्प होती है, मतलब अच्छा लगता है कि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। दाढ़ी वाड़ी काट दी है मैंने फिलहाल, क्लीन शेव की है, तो कोई भी हंसेगा नहीं है कमेंट में, ये नहीं लिखेगा कि दाढ़ी वाड़ी क्यों काटी है, अच्छा नहीं लग रहा है या वैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, तो बेयर कर लेना कि अभी 10 दिन के अंदर आ जाएगी वैसी दोबारा। कमेंट वही लोग करना जिनको मैं ऐसे अच्छा लग रहा हूँ, जिनको खराब लग रहा हूँ वो मत बोलना कि खराब लग रहा हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ, तुम कमेंट कर सकते हो पर अच्छे कमेंट करना यार। तो दाढ़ी जब मैंने कटवाई थी तो मैं 1-2 लोगों से मिला, तो वो मुझे कह रहे हैं कि 21-22 साल का बच्चा लग रहा है, तो जिन लोगों को अगर मैं 21-22 साल का बच्चा लग रहा हूँ तो वो कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग अभी व्लॉग्स देख रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, जम्मू से बाहर के, उन लोगों को इस जगह का पता नहीं होगा, वो सामने बावे वाली माता है, तो जम्मू के लोगों का एक रिचुअल रहता है कि जब भी ये तवी वाले पुल से क्रॉस होते हैं तो सामने बावे वाली माता को माथा जरूर टेकते हैं, तो हमने भी टेक लिया है, तो यहाँ से निकल गया हूँ मैं आगे। तो बस ये मैं ऐसे ही शेयर कर रहा था क्योंकि कुछ लोग हैं जो जम्मू के बाहर के भी होंगे, कुछ 2-4 लोग होंगे जो देखते होंगे, तो उन लोगों को बताने के लिए, बाकी अपने यहाँ के लोगों को तो पता ही है गर्मी ने तबाही मचा दी हुई है, लिटरली तबाही हो गई है, और ऐसे सडनली अचानक से इतनी गर्मी हो गई है ना कि बुरा हाल हो गया है, निकल नहीं सकते तुम भैया एसी के बिना गाड़ी में। अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है इस बार, मैंने एक गिम्बल खरीदा है DJI का, ओस्मो 6 करके, तो अभी फिलहाल मैंने यूज़ नहीं किया, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ व्लॉग, मैंने रखा हुआ है अपने पास अभी साथ में इस बैग में, यहाँ छोटा सा इसके साथ ही मिला था ये पाउच, तो अभी इसके अंदर भी इसको भी यूज़ करके देखूंगा कि कैसा चलता है ये, कैसा यूज़ होगा, क्योंकि मुझे अभी ये मैंने चलाया नहीं है, तो इसके काफ़ी सारे मोड्स हैं जो मुझे पता नहीं है, तो बस अभी वही चलाऊंगा मैं, देखूंगा कि कैसे चले। मेरा मन था गिम्बल खरीदने का, तो मैंने सोचा इस बार यार फाइनली ले ही लेता हूँ, क्योंकि अपना ब्लॉग वगैरह मैं बना ही रहा हूँ तो हेल्प हो जाती है, उससे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है और थोड़ा एक्सटेंड वगैरह हो जाता है और मोड्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं इसमें, तो इसीलिए बस मैंने खरीद लिया। लेट्स सी कैसा रहता है, कैसा होगा वो मैं आपको चला के बताऊंगा, और जब अगले जो इसके बाद वाले व्लॉग्स आएंगे वो सारे मैं गिम्बल पे ट्राई करूंगा कि उसी पे बनाऊंगा। तो ये वाला गिम्बल था जो ऑर्डर किया था मैंने, तो अभी इस पे ट्राई करते हैं शूट करने का कि कैसे होता है।
ये तो थक गया बेचारा, क्या देख रहा है ये बगुनिया, कहाँ देख रहे हो बे हैं? ये नाराज है, ये नाराज हो गया, कह रहा है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैंने बात ही नहीं करनी किसी से। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो गिम्बल में शूट कर रहा हूँ, मोड्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं इसके, पर थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा है। यहाँ से लाइट अच्छी है, तो ये नाराज हो गया मेरे से। नाराज क्यों हुआ है? चलाने नहीं दिया तेरे को इसलिए। तो उसमें एक और फीचर है कि जहाँ जहाँ मैं मूव करूँगा ये वहाँ वहाँ पे मूव करेगा, और अगर आपके पास आऊँगा नीचे आऊँगा तो ये भी आ जाए। ये डालना नहीं होता उसमें, घर वाले देखते हैं, घर वाले देखते हैं व्लॉग्स। उंगली नहीं लेता वो। तो अभी क्या था, व्लॉग बन रहा है और ये बंदा गालियां दे रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, इसको पता मैं ये डालूंगा नहीं। तो अगर तू मेरे साथ ऐसे करेगा मैं कैसे बड़ा ब्लॉगर कैसे बनूंगा? ऐसे ही बनेगा तू? हाँ, ये कर सकता है तू, तो पहले कर रहा था वो मत कर। सर थोड़ा नीचे, हाँ बस, और नीचे बस, थोड़ा आप ऊपर हो जाओ ना, कष्ट कर लो। तू ऐसे हरकतें क्यों करता है कि जिससे मतलब बड़ा ब्लॉगर नहीं? थोड़ा जोर से बोल क्योंकि उधर आ नहीं रही है आवाज। तो उसको थोड़ी पास रखो ना, दूर की आवाज में लोग दूर हो गए हैं, तू इसकी बात कर रहा है? यार इस बंदे के घर आता हूँ मैं और ये सो जाता है, मतलब इसका काम है कि बस सोना। अंदर पहले अंदर बुला रहा है कि अंदर जाके सोते हैं, और ये ऐसा पहला बंदा है कि इसके पास आओ, ये नहीं कहता कि कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं या कुछ देखते हैं, कोई बात करते हैं, ये कहता सो जाते हैं। ये क्या है? काम काजी बंदे थके हो तो सोने की बात करें। तू साले मेरे को इनडायरेक्टली वेला बोल रहा है। वो इसको नहीं लूंगा आगे से ब्लॉग में भाई, ब्लॉग खत्म। आगे जाके मैं अकेले में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो ठीक है, आज यही था, ये टेस्ट कर रहे हैं हम गिम्बल, अच्छे से टेस्ट करना आ जाएगा जब हमें, तो इसी में अभी व्लॉग्स बनेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे शूट करते हुए, काफ़ी स्मूथ वीडियो बन रही हैं। तो अभी का व्लॉग फ़िलहाल मैं इतना ही रखूँगा सोच रहा हूँ, तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 500 का टारगेट रखा हुआ है तो उसको पूरा करवा दो यार, ठीक है? चलो बाय, तू भी बोल दे बाय। ओके गाइस, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तू भी कर दिया कर, ये तेरे लिए भी बोलता हूँ मैं, शेयर कर, चैनल को शेयर कर, सब्सक्राइब करवा, वो चीज भी सोचना। अब तो बोलेगा नहीं कुछ, तो 500 सब्सक्राइबर करवाओ यार, ठीक है? मेरे लिए 500 भी बहुत बड़ी बात है अभी, ठीक है? करवा देना, थोड़ी देर बाद ही बोलेगा 1000 करवा, वो तो बोल ले, इंसान रचता थोड़ी है, इंसान है कुआं, उसके अंदर जितना पानी तू डालेगा वो डलता जाएगा। कुआं कुआं वैसे गलत वर्ड है, वो समंदर, समझ रहे हो? बस करवा दो।